सो वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज जीवन उप्रेति और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। गाइस पिछली वीडियो में हमने बात की थी टाइटल, हेडिंग और पैराग्राफ टैग के बारे में, तीन टैग्स हमने देखे थे। मैं इसी फाइल को वापस से खोल लूंगा और इसका मुझे कोड देखना है, तो मैं यहाँ पर ओपन विद नोटपैड पर आ जाऊंगा। तो गाइस यहाँ से मैंने क्लियर कर लिया है अपने पैराग्राफ और हेडिंग वाले टैग्स को। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। तो गाइस यहाँ पर हम इमेज टैग के अंदर क्या करते हैं, कोई भी एक इमेज है, एक फोटो है, उसे हमें अपने HTML पेज के साथ अटैच करना है। उसे हम कैसे करेंगे, उसे हम उसके साथ कैसे लिंक करेंगे ताकि वो फोटो जो है वो हमारे HTML पेज में शो हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक H1 टैग लगा ही देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज अ हेडिंग, और हम देख लें पहले एक बार। और यहाँ पर मैंने इसे रन किया तो एकदम ये ठीक है, और यहाँ पर दिस इज अ हेडिंग लिखा हुआ आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गाइज मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है XYZ, और इसको आप देख लें इसका एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन जो है JPG है, तो PNG हो JPG हो उस हिसाब से आप एक्सटेंशन देख लें। तो यहाँ पर ये XYZ फाइल का नेम है। अब मैं क्या करूँगा गाइज, मुझे यहाँ पर अपने इस HTML पेज में यहाँ पर एक इमेज चाहिए, जो कि इमेज मेरे पास ये है XYZ नाम की। तो इस इमेज को मैं दिखा दूँ आपको, कुछ इस टाइप की ये इमेज है। तो इस इमेज को मेरे को उसके साथ अटैच करना है अपने HTML पेज के साथ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास इसके लिए होता है एक IMG टैग, यानी इमेज टैग। इमेज टैग मैं लगाऊंगा, यहाँ पे हम IMG लिखेंगे, और IMG लिखने के बाद IMG टैग हमने लिखा, इसके अंदर हमको जो भी हमारी फोटो है यानी कि हमारी इमेज है उसका हमको सोर्स देना है। अब सोर्स यानी कि हमारे हमें उसकी लोकेशन देनी है, उसका पाथ देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर आके मेरी फाइल का नाम है xyz.jpg मैं लिख दूंगा और यहाँ से मैं इसे रन कर लूँगा। अब मैं गाइज आकर अगर आउटपुट देखूँ तो यहाँ पर आकर मैं इसे रन करूँगा और यहाँ पर मेरी फोटो जो इमेज थी वो आ चुकी है, वो अटैच हो चुकी है मेरे HTML पेज के साथ। तो इसमें कोई एक बड़ी बात नहीं थी। और यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका HTML पेज जो आप सेव कर रहे हैं वो और जो आपकी इमेज है वो सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फोटो यानी कि इमेज तो पड़ी हुई है किसी दूसरे फोल्डर के अंदर और ये आपकी पड़ी हुई है यहाँ पे डेस्कटॉप पे। ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको पूरा जो उसकी लोकेशन है पूरी की पूरी देनी पड़ेगी। इसके बारे में बात करने वाला हूँ अभी। और अभी आप ये ध्यान रखें कि मैंने डायरेक्ट नाम लिखा है XYZ इमेज का, तो वो डायरेक्टली मैं क्यों कर पाया, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही डेस्कटॉप पर सेव हैं, एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर सेव हैं। नहीं होंगे तो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पर बात करें अगर, तो मैं अगर अब बताऊँ आपको लोकेशन के बारे में पहले, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पर आकर मैं एक न्यू पर आकर एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ पर आकर मैंने एक फोल्डर बनाया और फोल्डर का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। मैंने रख दिया फोल्डर का नाम new1, और इस इमेज को उठाकर मैंने इस फोल्डर के अंदर डाल दिया। तो अब इमेज तो मेरी इस फोल्डर के अंदर है, लेकिन जो मेरा वेब पेज है वो मेरा डेस्कटॉप पर सेव है और जो इमेज है वो फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर आकर अगर अभी मैं सेम कोड है मेरा, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, यहाँ पर आकर मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँगा, ये इमेज शो हो रही थी, इसे मैं रीलोड करूँगा और मेरी इमेज शो नहीं हो रही, उसकी जगह यहाँ पर सिर्फ एक लोगो सा बना हुआ आ रहा है और मेरी इमेज शो नहीं हो रही। तो मेरी इमेज कहाँ गई? तो गाइस इमेज कहीं नहीं गई, इमेज तो अपनी जगह पर ही है, बस उसका हमने फोल्डर चेंज कर दिया है और वो फोल्डर चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा। हमारे कोड में हमने दिया है सिंपली xyz.jpg और ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो उसे एक्सेस करने के लिए हम क्या करें, हम आ सकते हैं इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम देखें तो ये new1 के अंदर है ये फाइल, तो हमको गाइस इसका पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आऊँगा और हमने सेव किया इसे, तो गाइस हमारी जो इमेज है वो new1 नामक एक फोल्डर के अंदर है। और new1 यहाँ पे हम एक backslash देंगे, जो कि हमारे एंटर के ऊपर आपको की मिलती है, backslash देंगे, new1 के अंदर xyz.jpg है और हमने लिखा new1 slash
xyz.jpg। इसे ध्यान रखें, आप यहाँ पर ये एक बैक स्लैश है और यहाँ पर ये एक फॉरवर्ड स्लैश है। अब मैं इसे कंट्रोल से सेव करूँगा और अब जाऊँगा अपने ब्राउजर में और यहाँ पर आकर अगर इसे रन करना चाहूँ और आउटपुट देखना चाहूँ इसका क्या हमने किया, क्लियरली हमें इमेज शो हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर ये इमेज इसके अंदर भी कोई और फोल्डर होता और उसके भी अंदर होती, यहाँ पर ये न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर है, इस फोल्डर के भी अंदर इमेज होती, तो हम क्या करते, हम लिखते यहाँ पर न्यू वन के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है न्यू फोल्डर। मैं एक बार देखना चाहूँ तो यहाँ पर न्यू वन के अंदर एक फोल्डर है न्यू फोल्डर और उसके अंदर है हमारी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर न्यू वन के अंदर एक फोल्डर है न्यू फोल्डर और उसके अंदर जो है हमारी एक्स वाई जेड डॉट जे पी जी है। अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूँ तो ये बेसिकली यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ जाएगी इमेज। तो अगर कोई इमेज फोल्डर के अंदर है या फिर उसके फोल्डर के अंदर फोल्डर है और उसके अंदर इमेज है तो हमको पूरी एक लोकेशन देनी पड़ेगी। अगर वो सेम जगह एग्जिस्ट करती है, सेम वेब पेज भी और जो हमारी इमेज भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और इस इमेज को मैं डायरेक्टली यहाँ पर आकर ही पेस्ट कर दूँगा। तो हमें इतना बड़ा पाथ या फिर हमें लोकेशन इतनी बड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारा काम एक्स वाई जेड से चल जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और देखिए आप एकदम पहले की तरह बिंदास ये हो रहा है काम। अब गाइस ये बात हुई इमेज की, तो यहाँ पर हमने सीखा कि IMG हम टैग यूज करेंगे और ये SRC इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि प्रॉपर्टीज डिसाइड कर रहा है और चीजें बता रहा है। यहाँ पर लोकेशन दे रहे हैं तो इमेज को फैच कर ले रहा है वहां से। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और एट्रीब्यूट्स जो कि इमेज यानी कि IMG टैग में होते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर हम अभी इस इमेज को देख रहे हैं तो एक सिंपल इमेज आ रही है। मैं चाहता हूँ इस पर बॉर्डर आ जाए, जहाँ जहाँ इसकी एंडिंग हो रही है यानी कि जो जो इसके कॉर्नर्स है पूरा एक बॉर्डर से ढक जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा बॉर्डर इसी के अंदर ही। गाइज ये कोई टैग नहीं है बॉर्डर, ये इमेज का ही एक एट्रीब्यूट है। तो मैं बॉर्डर और जो भी आप लिखें ये डबल कोट्स के अंदर लिखें, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और मैं दे दूंगा बॉर्डर फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल। मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आऊँगा और इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप चेंजेस देखिए, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ, इसकी मोटाई बढ़ाना चाहता हूँ जो कि मेरा बॉर्डर है, तो मैं यहाँ पर उसका साइज चेंज कर दूंगा। मैं कर दूंगा 5 पिक्सल तो ये थोड़ा और डार्क हो जाएगा और यहाँ पर आप देखें तो इसकी विड्थ थोड़ा और बढ़ गई। गाइस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा और यहाँ पर मैं आऊंगा, ये बात कि हमने यहाँ पर इमेज SRC यानी कि उसकी लोकेशन देनी है जहाँ पर, यानी कि इमेज का नाम देना है। बात की हमने बॉर्डर की और मैं इसको बॉर्डर को थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ, 2 पिक्सल ही रहने दूंगा। और भी कई एट्रीब्यूट्स हैं इस इमेज टैग के अंदर, जैसा कि हमारे पास है IMG Alt, यानी कि IMG तो हमने लिखा ही है, इसके अंदर हम ALT Alt भी लिख सकते हैं। और Alt का मतलब बेसिकली क्या है, मैं बॉर्डर आपको समझ आ गया है, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ या फिर मैं रहने भी देता हूँ। अभी मैं Alt के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो Alt क्या है, बेसिकली Alt का मतलब होता है अल्टरनेटिव, यानी कि अगर ये इमेज शो हमें ना हो, ड्यू टू सम रीजन्स हमें इमेज शो नहीं हो रही, जैसा कि अभी हमने देखा था फोल्डर वाले केस में, फोल्डर के अंदर थी वो प्रॉपर लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पर सिर्फ एक इमेज का लोगो सा बना हुआ आ रहा था और इमेज को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसी कंडीशन हो, हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक चीज़ शो हो जाए लिखी हुई, यानी कि कोई चीज़ शो हो जाए, मैं फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ इमेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए, अगर इमेज को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अभी मैं अगर इसे गाइज रन करूं तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इमेज को वो एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इस इमेज को फिर से एक फोल्डर बना के उसके अंदर अगर डाल दूं, मैं करके दिखाऊं आपको, अगर तो मैंने एक फोल्डर बना दिया और इसके अंदर ये इमेज डाल दी, तो अभी वहाँ पर ये इसकी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने पूरी लोकेशन नहीं दी, सिर्फ नाम दिया है और जो लोग वो इमेज है
वो उसके अंदर है, दूसरे फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया इमेज नॉट फाउंड। अगर हम इसको, इस प्रॉपर्टी को नहीं लगा रहे थे तो गाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था। इस बात को आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया था। तो ये सिंपली अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक लोगो के अलावा। लेकिन अगर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई हुई है तो मैं अगर इसे सेव करूँ, और इस बॉर्डर, ये बॉर्डर आपको समझ आ चुका है, इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ से मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा और फिर से आऊंगा अपने ब्राउजर में, इसको मैं करूंगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा इमेज नॉट फाउंड। अब इमेज नॉट फाउंड के अलावा आप कुछ और मैसेज देना चाहें, इमेज नॉट अवेलेबल अगर मैं लिख दूँ तो इमेज नॉट अवेलेबल अब आ जाएगा लिखा हुआ। मैं जैसे ही रिलोड करूंगा यहाँ पर आ गया इमेज नॉट अवेलेबल। तो जब भी उसे वह एक्सेस नहीं कर पाएगा, जो भी मैसेज आप इस डबल कोट्स के अंदर देंगे वो वहां पर लिखा हुआ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एरर लिखना चाहता हूँ और मैंने लिख दिया एरर, और कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा, और अब इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे एरर लिखा हुआ आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर लिखा हुआ आ गया। तो इसी प्रकार से कुछ करना है, लेकिन अगर वो उसे एक्सेस कर पा रहा है, अगर वो उसे एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि जैसा कि हमारे पहले वाले केस में हुआ था कि अगर वो उसे एक्सेस कर पा रहा है, तो अगर वो उसे एक्सेस कर पा रहा है यानी कि ये यहीं पर ही है हमारा। और इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो सिंपली वो ऑल्ट को छोड़ेगा और इमेज को डिस्प्ले कर देगा। तो इस बात को आई होप आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर सिंपली वहीं पर ही है इमेज तो वो उसे शो कर देगा, लेकिन अगर नहीं मिलती है, बाय चांस कुछ एरर है, वो उसे एक्सेस नहीं कर पाता, तो अल्टरनेटिवली जो भी आप यहाँ पर देंगे उसको वो वहाँ पर शो कर देगा। इसी प्रकार से आप बॉर्डर, ऑल्ट, SRC सबको एक साथ भी लगा सकते हैं इस पर। और यहाँ पर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें, जैसे कि अलाइन नाम का भी एक एट्रीब्यूट है इसके अंदर। और अलाइन अगर मैं लिख दूँ लेफ्ट, तो अलाइन में लिख दूँ लेफ्ट और मैं कंट्रोल एस से सेव करूँ, मैं आऊँ ब्राउज़र में और मैं इसे रिफ्रेश करूँ यानी रिलोड करूँ, तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट में अलाइन है ही। चेंजेस तब आएंगे जब मैं इसमें राइट अलाइन कर दूं। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा राइट अलाइन और कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और इसको देखें आप, रिफ्रेश करूंगा, मैं इसे रिलोड करूंगा जैसे ही पेज को, ये राइट साइड में अलाइन हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इसी प्रकार से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। कोई इमेज लेफ्ट या राइट में एकदम आपको सेंटर में लाना है, उसके लिए आप मिडल यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विड्थ और हाइट हाइट भी इसकी सेट कर सकता हूँ। मैं इन एट्रीब्यूट्स को फिलहाल हटा दूंगा, हालांकि आप चाहें तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एक साथ यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक स्पेस दे देंगे बीच में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विड्थ की, मैं विड्थ कर देता हूँ इसकी 500 पिक्सल, और यहाँ पर मैं हाइट कर देता हूँ इसकी। तो हाइट के लिए बेसिकली आप लिखेंगे हाइट, विड्थ के लिखेंगे विड्थ, और हाइट में कर देता हूँ 500 पिक्सल, विड्थ भी मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। तो इसके साइज में देखते हैं हम क्या इफेक्ट पड़ेगा। और मैं इसे जैसे रिफ्रेश करूंगा तो अपने नॉर्मल लेफ्ट लाइन था पहले से ही नॉर्मली बाय डिफॉल्ट, तो इसका साइज यहाँ पर घट के 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल हो गया है। अब मैं अगर इसे 200 पिक्सल कर दूँ, 200 पिक्सल अगर मैं इसे कर दूँ, और 200 बाय 200 पिक्सल या 200 बाय 250 पिक्सल कर लेता हूँ, तो इसकी हाइट देखें आप 250 हो जाएगी और विड्थ इसकी 200 पिक्सल हो जाएगी। और अब आप इसका साइज नोटिस करें ध्यान से, और मैं जाऊँगा यहाँ पर ब्राउजर में और इसका साइज नोटिस करें आप, जैसे मैं रिलोड करूँगा तो इसका साइज थोड़ा और छोटा हो गया है। तो गाइज अब ये 200 बाय 250 पिक्सल का बन गया है। तो इस प्रकार से आप साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं विड्थ और हाइट के माध्यम से। और सोर्स SRC यानी सोर्स से आप इमेज का नाम देंगे या फिर उसकी लोकेशन देंगे वहां पर, और बॉर्डर से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं, और अलाइनमेंट से आप लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या मिडल उसे कर सकते हैं। यही सब था गाइज इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग के मैंने आपको पूरी एक प्रॉपर नॉलेज दे दी है, जो भी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे इसके अंदर मैंने बता दिए हैं। हो सकता है कुछ और एट्रीब्यूट है उनके बारे में आप गूगल सर्च वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे यहाँ पर सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो गाइज यही सब था इमेज टैग के बारे में, और आज की इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। गाइज आई होप आपको ये इमेज टैग के बारे में चीजें समझ आई होगी।
आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।